मैंने अक्सर ऐसा गौर किया कि जब मैं मुसीबत में फंसता हूं तो मेरा दिमाग तेज काम करता है और ऐसे से सॉल्यूशन निकालता है ना। हम लोग कभी मुसीबत में फंस जाए तो हम लोग कुछ ना कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस मुसीबत से बाहर निकल जाएं, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो आपको दूध अच्छा नहीं लगता, मम्मी आ रही है, आपको पता है कि मम्मी आ रही है, दूध पिलाएगी जबरदस्ती, इतने में आपका ब्रेन निकालता है अंदर से एक आइडिया, थासू आइडिया, मम्मी मेरी तो तबीयत खराब है, मम्मी मुझे तो उल्टी आ रही है। व्हाट आर दीज आर आइडियाज डेवलप्ड बाय योर माइंड। आपका माइंड मुसीबतों में ज्यादा काम करता है ना। जैसे मान लो आपको कभी पता नहीं आपके पीछे कुत्ता पड़ा कि नहीं पड़ा, बट देखो मैं मुझे आज भी याद है, जैसे बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे तो एक बार मतलब बंदर ने एक छलांग मारी थी मेरे यहाँ एक निशान, मैंने बहुत बार बताया नहीं। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस टाइम पे, और आखिरी एग्ज़ाम था अगले दिन ही, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने मतलब सो के उठा था और बोतल से पानी पी रहा था, तो जैसे ही पानी पी रहा था ना, बंदर बहुत शरारती होते हैं और ऊपर बंदर थे मुझे पता नहीं था, मैं जैसे ही पानी पी रहा था तो बंदर ने ना देख के झपट्टा मारा, उसको बोतल चाहिए रहेगी, तो उसने जब झपट्टा मारा ना तो वो झपट्टे के उस उनके बंदरों के नाखून बहुत तेज होते हैं, तो वो सीधे यहाँ लगा और मेरा गला कट गया यहाँ से, शायद उस दिन तो मैं मर ही जाता, तो वो पूरा गला यहाँ से यूँ मतलब वो बाहर आ गया था। उसके बाद भागे हॉस्पिटल मुझे लेके, और तो उसके बाद यहाँ टाँके शांके लगवाए, बच गया मैं, मतलब बाल बाल बच गया, अगर और ज़्यादा अंदर घुस जाता तो शायद मैं मर ही जाता। तो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मेरी लाइफ में, और बहुत ही वाला इंसिडेंट था, ठीक है। बट देखो जब मुसीबत आई तो क्या करना था, मगर अगर उस वक्त ब्रेन काम नहीं कर रहा तो फिर पड़ जाते। तो उस वक्त भी मैंने क्या किया, जैसे उसने मारा मैंने यहाँ से तुरंत दबाया, ओके तुरंत दबाया, दिमाग उस समय तेज काम करता है, अपन डॉक्टर थोड़ी है, लेकिन फिर भी ऐसा किया, तुरंत दबाया, ठीक है, अंदर भागा, रुमाल लिया, तेज दबाया, तो उसके बाद दोस्त को बोला कि लेट्स गो टू हॉस्पिटल, वहां से बाइक निकालते हुए पकड़ के हॉस्पिटल पहुंचे। पता है शुरू शुरू में दर्द नहीं होता 5-10 मिनट, लेकिन उसके बाद जब पता लगता है ना कि धीरे धीरे जब टाइम निकलता है तो बहुत दर्द होता है। तो यहाँ पर स्टिचेस कराए थे मुझे आज भी याद है, और वो स्टिचेस करवाए थे, मेरी आंखें खुली थी, मैं होश में था और यहाँ पर स्टिचेस हो रहे थे, आज भी उसका निशान है यहाँ पे। सो ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। तो ब्रेन क्या करता है, बेसिकली ब्रेन बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है, कुत्ता पीछे पड़ा तो आप भागोगे, दिमाग चलेगा कि मैं क्या करूं, तब आप दिमाग, आपका अवचेतन मन और आपका अवचेतन दिमाग, मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो आपका माइंड है ना, बेसिकली आपको ऐसे आइडियाज देगा जिससे आप उस मुसीबत से बाहर निकल सको। तो जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आता है ना तो आपका दिमाग ना बहुत तेज भागता है। आप देखना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है लाइफ में, ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं मैं कि ऐसे लगता था अब गया गया गया, पर मेरे साथ खास बात है, मेरी किस्मत है ना, मैं हमेशा से बोलते थे मेरी किस्मत है ना टाइम पे काम, बिल्कुल एंड टाइम पे काम करती है, बिल्कुल एंड टाइम पे जब पता लगता है ना कि अब तो ये मरने वाला है, पकड़ लो इसको, तब जाके काम करती है, अदरवाइज मेरी किस्मत काम नहीं करती थी। मैंने बहुत बार परखा अपनी किस्मत को, लेकिन ये मेरी किस्मत की मजेदार बात थी कि जैसे ही पता लगता है कि तो एंडिंग पॉइंट है ये, अब इसके बाद नहीं संभल सकता, तब किस्मत ऐसा पासा पलटती थी कि मैं बिल्कुल सही सिचुएशन पे पहुंच जाता था। तो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आपका सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा ना तो आपका माइंड जो है ना बेसिकली पूरी एनर्जी के साथ और पूरी परसेंटेज के साथ काम करेगा। सो इसका मतलब क्या होगा, दिमाग, देखो जब दिमाग में आलस होता है तो दिमाग नहीं काम करता, लेकिन दिमाग जब सिचुएशन में फंस जाता है, जब सर्वाइवल की बात आती है, पता लगेगा अब तो भैया हालत खराब होने वाली है, तब दिमाग बहुत तेजी से चलता है और काम करता है। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ, सर्वाइवल। अब आपका दिमाग, कई लोग मुझे यहाँ से पूछते हैं सर कुछ हो नहीं रहा क्या करें, कई लोग सर पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा, कुछ कामयाबी नहीं मिल रही, अभी तक सर्वाइवल वाली बात आई नहीं है। समझो मेरी जिंदगी में मैं 3 बार बैंकक्रप्ट हुआ हूँ। बैंकक्रप्ट का मतलब पैसा नहीं जेब में, खाली जेब। सो देर इज अज अ सर्वाइवल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। पैसा ही नहीं है क्या करोगे, तब दिमाग चलता है चलो बाहर निकलो और कमाओ, ठीक है, फिर लोगों से मिलते हैं बात करते हैं, दिमाग वहां पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, नौकरी मिलती है, पैसा कमाते हैं, तब जाके उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइवल सिचुएशन आएगी तो आपका दिमाग जो है ना बहुत तेज भागता है, दैट इज ट्रू एज वेल। और आपके साथ भी हुआ होगा, आपको ऐसा इंसिडेंट याद करो जब आप फंस गए हो और उसके बाद आप अपने दिमाग की वजह से बाहर निकले हो। तो दिमाग का रूल नंबर 1 होता है सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल की बात होती तो आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। इंसानों ने इस चीज को प्रूव भी किया और आप अच्छे से जानते हो कि हम लोग किस तरह से प्रगति किए हैं। जरा थिंक ऑफ इट, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन व्हिच इवॉल्व्ड विद टाइम। समझ में आ गया, बाय कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क टू सर्वाइव एंड इवॉल्व। ओवरऑल
यहाँ पर जब सर्वाइवल का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बेहद तेजी से काम करता है। रूल नंबर दो की तरफ चलते हैं। सो फाइनली रूल नंबर एक में क्या कहता है, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। समय के साथ आपका जो ब्रेन है बेसिकली सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को चेंज करता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। याद रखिएगा, ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, ठीक है, बॉडी से ताकतवर सर्वाइव नहीं करता, दिमाग से आता माची सटकली, दिमाग से ताकतवर सर्वाइव करता है।